नवागढ़ गांव में 2-2 हजार रुपए में बीपीएल राशन कार्ड बनवाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत करने पर हितग्राही और सरपंच प्रतिनिधि को धमकाया गया। आरोप लगाया गया है कि खाद्य विभाग में सक्रिय दलालों ने शिकायत कर्ता पर हमला कर दिया, जिसके चलते एसपी से की गई जो शिकायत की गई है। मामला उजागर होने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है। दो जन आए जिन मोर का राशन कार्ड और ऐसी तरीके जिनमें इससे 2000 और दस्तखत वगैरह कुछ नहीं हो रही। तो मुलादीन और बोलते 2000 की डिमांड करी और कुछ पास कारण का छोड़ दी और मैं नहीं दे पाऊँ ऐसी तो बताया मैं। फिंगेसर का उपेंद्र साहू और गणेश राम परिया बहरा का दोनों जने कोरा कागज मतलब कोरा राशन कार्ड को लाए हैं और उसके एवज में 2-2 हजार रुपए हितग्राही से मांग कर रहे हैं। नहीं, कंवर सर तुम्हें फोन से बताया कि खाद्य शाखा से 33-34 नग राशन कार्ड ले गया है। कैसे बताया मैं? कौन ले गया बताया? अब उसमें तो नहीं बताया सर वहाँ की कौन ले गया है क्या, लेकिन ले गया है बिना नाम का राशन कार्ड ऐसे बताया। तो क्या बोले अधिकारी? अब अधिकारी तो उसके संबंध में अब ले गया है, देख लो ऐसे बोले सर। आप कौन? जो यहाँ से जो राशन कार्ड गई है वो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया है और वो कार्ड जो है ग्राम पंचायत में पहुंच गई है। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव का पावना पत्र हमारे पास है।